शिमला के कृष्णनगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर के लंगर हॉल के छत पर कबाड़ रखने पर वाल्मीकि सभा के पूर्व पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है। कृष्णनगर वाल्मीकि सभा के पूर्व संयुक्त सचिव ईशान सल्होत्रा ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि सभा के एक पदाधिकारी द्वारा वाल्मीकि मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल ऐसे कार्य के लिए किया जा रहा है, इससे धार्मिक भावना को ठेस पहुँच रही है। आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ईशान सल्होत्रा ने कहा कि लंगर हॉल की छत पर कबाड़ रखने से हॉल की छत पर जगह जगह सीलन आने से सीमेंट उखड़ चुका है। ईशान सल्होत्रा ने लंगर हॉल के छत को खाली करने की मांग की है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं पूर्व में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ वाल्मीकि सभा में, तो जो प्रेजेंट में वाल्मीकि सभा चल रही है आज की डेट में, उन्होंने मंदिर परिसर में कूड़ा कबाड़ रखा हुआ है, जिससे मंदिर की पवित्रता भंग हो रही है और पूरे समाज को बदनुमा दाग लग रहा है कि वाल्मीकि सभा द्वारा वाल्मीकि मंदिर में कूड़ा रखा गया है। हम ये चाहते हैं या तो इसको जल्द से जल्द उठाए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें। ये स्क्रैप है, कूड़ा कबाड़, जो कबाड़ जिसको कह देते हैं, वो पदाधिकारी उनका पर्सनल बिजनेस है, पर वो मंदिर परिसर में ना उसको इन्वॉल्व करें। वो मंदिर में सारा कबाड़ रखा हुआ है, जिससे मंदिर का जो परिसर है वो सारा लेंटर खराब हो गया है, बैठने को जगह नहीं है, बहुत गंदा है वहाँ पर। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसमें प्रशासन कार्रवाई करे।